स्क्रीन बिजी वाले यहाँ पे। चलिए ठीक। सो बेसिकली आप लोग सिस्टम ओपन कर लिए है ना। कुछ नहीं करना, सोच छोड़ दो वैसे ही जिस तरह। सब हो गया था ना, फेस डिटेक्शन फोटो ईमेल से फेस डिटेक्शन रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया था। हाँ बेसिकली इस फिगर को अच्छे से देखो भाई, ये फिगर विजिबल है आपको? यस सर। ये सिंपल सा फिगर है। पहली बात समझो वीडियो के बारे में, वीडियो होता क्या एक्चुअली। वीडियो जो है आपका कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स। इट मींस दैट जो आप वीडियो देखते हो ना, एक्चुअली वो वीडियो नहीं होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे फ्रेम्स का कलेक्शन होता है। और उस फ्रेम्स को ऐसे सिंक्रोनाइज किया जाता है कि वो आफ्टर सम टाइम या मिली सेकंड के बाद या 2 मिली सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपके सामने डिस्प्ले होता है। तो आपको लगता है क्या, और साथ में ऑडियो फाइल को इस तरह अटैच किया जाता है, लगता है क्या वीडियो भी चल रहा और साउंड भी आ रहा है। बट मोस्टली कंक्लूजन ये है कि जो आपका वीडियो होता है वो है कलेक्शन ऑफ फ्रेम। और फ्रेम क्या होता है, वो भी एक तरह का इमेज ही है। क्या है वो? इमेज है आपका, ठीक है। तो जैसे इस फिगर को गौर से देखो, कुछ विजिबल हो रहा है आपको? यस। ये अलग अलग इमेज है, सब कुछ प्लेस है। देखो बस हम इसको क्या करते हैं, स्लाइड्स लग रहा है वीडियो है सर? यस सर। सो दिस इज हाउ वीडियो इज रिकॉर्डेड, क्लियर है? सो रेदर देन द क्रिएटिंग अ वीडियो, वहां पे क्या होता है, आपको बहुत सारा फ्रेम क्रिएट होता है। जैसे आपने वीडियो क्वालिटी देखा होगा, बहुत सारा वीडियो अच्छा क्वालिटी का होता है, कोई वीडियो का क्वालिटी खराब होता है आपने देखा होगा। तो उसका क्वालिटी जो है ना, किस पे डिपेंड करता है? FPS पे डिपेंड करता है। FPS यानी फ्रेम्स पर सेकंड। इट मींस दैट कि आपका जो सिस्टम है या आपका जो मोबाइल है या आपका जो रिकॉर्डर है, जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ओपन कैमरा यूज किया किसी? आई थिंक ओपन कैमरा यूज किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड करता है ओपन कैमरा, ठीक। या कोई भी कैमरा आप देखते हो, बड़ा सा कैमरा जो वीडियोग्राफी वाला, वहां भी फ्रेम का सेटिंग होता है, पिच रेट्स को कहते हो या फ्रेम रेट। फ्रेम रेट सर। सो FPS क्या है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड, यानी उस वीडियो के थ्रू आप पर सेकंड कितने फ्रेम्स को क्रिएट करता है वो उस पे डिपेंड करता है। अब जैसे 30 FPS होता है, 25 FPS होता है, 60 FPS होता है, इसका मतलब क्या है? 35 का मतलब हुआ कि 35 फ्रेम्स पर सेकंड। उसी तरह से मैं बात को 30 FPS का मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकंड, और एक होता 60 फ्रेम पर सेकंड। तो ये बताओ किसका ज्यादा क्वालिटी अच्छा होगा, किसका ज्यादा FPS होगा? तो जनरली लोग अपने हिसाब से FPS को सेट करते हैं। किसी को बड़ा वीडियो अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो क्या, जैसे वीडियोग्राफी जो शादी वादी में होता है आपने देखा होगा, तो वहां पे क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। एक सिंपल हम लोग काम के लिए करते हैं तो हम वहां से भी काम चला लेते। सो यहाँ पे FPS, तो वही आप देखोगे वो क्या है, एक्चुअली में आपका फ्रेम लेता है। जब तक आप चाहो तब फ्रेम वो कंटिन्यू रहता है, आपका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फ्रेम लेता रहेगा और आपको डिस्प्ले करता रहेगा, लगता है क्या जैसे वो वीडियो चल रहा है आपका, ठीक है। अब इस पर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। आई थिंक ये विजिबल होगा आपको, नहीं विजिबल है? चलो इसको देखते हैं, समझते हैं। विजिबल है तुमको? विजिबल है क्या बच्चों? यस सर। स्क्रीन को खोल जाओ, सबसे पहली बात स्क्रीन को, और ये क्या है देखो, अभी तक जो भी हमने इमेज पे काम किया है, तो अब हमारा टास्क ये है कि अब हम अपने एप्लीकेशन के हेल्प से, अपने कमांड के हेल्प से कैमरा को यूज करें। यस सर। तो कैमरा को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमारे पास OpenCV में क्या है, फंक्शन क्या है, इसका नाम क्या है, वीडियो कनेक्ट। और जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इट मींस दैट योर सिस्टम इज रेडी टू वर्क। और क्या यानी कैमरा के साथ काम कर रही हो, या कैमरा के लिए तैयार, या कैमरा सिस्टम के लिए तैयार। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू भी यूज किया है, जीरो। सो एक्चुअली इट इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, है ना? डिफॉल्ट वैल्यू मतलब इसका मतलब जैसे कि आपके सिस्टम में आप डिफॉल्ट कैमरा यूज करते हो लैपटॉप में, यस सर? कभी कभी कोई एक्सटर्नल कैमरा भी यूज करता है, यस सर? सो बेसिकली
यहाँ पे जीरो का मतलब है कि आप सिस्टम का डिफॉल्ट कैमरा यूज करना चाहते हैं। क्या यूज करना चाहते हैं? सिस्टम का डिफॉल्ट कैमरा यूज करना चाहते हैं। तो वीडियो कैप्चर का मतलब क्या है? So, default camera use करना चाहते हो, that's why VGO. यदि आपके पास कोई इसके अलावा external camera use करे तो क्या होगा वहाँ पे? Value one होगा। आप try कर सकते हो। यदि आप on करके देखोगे ना तो blanks दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप zero करोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? Default camera होगा। अब CV2 का function है तो open CV के अंदर CV2 लिखेंगे। अब देखो क्या होता है। एक हम variable बनाएंगे। क्या बनाएंगे? Variable video. ठीक है। अब देखो इसी वेरिएबल के हेल्प से क्या करेंगे, काम करने वाले। इसके अंदर भी फर्दर क्या है, क्लास कह सकते हो, एक क्लास भी कह सकते हो, क्लास पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे, पर सिंपल समझो तो क्लास है, बाद में समझ आओगे, पाइथन में पढ़ोगे आप। सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। क्या है? बहुत सारे फंक्शन है ना, उसमें से क्या है आपका रीड फंक्शन। इसीलिए इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको फंक्शन को कॉल करते हैं। So, video dot read जैसे ही करेंगे ना वो क्या होगा, now your video or the camera will be open and now it will start recording the frames. वो क्या करेगा? आपके कैमरा ओपन हो जाएगा और वो फ्रेम्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, यानी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। यस सर। अब फ्रेम्स मतलब क्या, तो देख लो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, रीड क्या करता है, जो अब जैसे कैमरा ऑन हुआ और जो पहला फ्रेम बनता है ना, उस फ्रेम को ये क्या करता है, रिटर्न करता है। ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे ही वीडियो कैमरा रीड करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहला इमेज उसके लिए फ्रेम है, उस फ्रेम को वो रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद फिर एक फ्रेम बनेगा, फिर उसको रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये सबसे पहला फ्रेम को रिकॉर्ड करेगा और किसको भेजेगा, रिटर्न करेगा। उसको कहां स्टोर करने वाले हैं? फ्रेम वेरिएबल, फ्रेम वेरिएबल। और साथ में एक और वैल्यू रिटर्न करता है, एक और वैल्यू वो क्या करता है, रिटर्न करता है क्या, कि यदि वो रिकॉर्ड कर पाया या नहीं कर पाया, कर पाया तो ट्रू, नहीं कर पाया तो फॉल्स। वो वैल्यू कहां जाएगा? आप यहां पे कुछ भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं, बट हम दो वेरिएबल यूज किए, दो वैल्यू रिटर्न करता है, दो वैल्यू, एक ट्रू, और यदि वो रिकॉर्ड कर पाया तो ट्रू होगा, नहीं कर पाया तो फॉल्स, और दूसरा फ्रेम जो पहला फ्रेम उसने रिकॉर्ड किया। कोई दिक्कत? आप चाहो तो उसको प्रिंट करके दे दियो, तो यहाँ पे आपको ट्रू आएगा यदि रिकॉर्ड कर पाया तो उसलिए कर पाया, और यहाँ पे आपको वही नम पायर है, नम पायर है, वेरी गुड, क्योंकि इमेजेस को कैसे स्टोर करता है, और नम पायर है, नम पायर एरे के फॉर्म। कोई दिक्कत? इसको भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। और क्या होता है, जब आपका काम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, यूज में रखोगे या छोड़ दोगे, इसको फ्री कर दोगे, तुम आप बाकी काम है तो यूज हो सकता है। यस सर, जैसे सिंपल सी बात है, अब हमारा काम हो गया, हम उसको बाद में छोड़ना चाहेंगे, रिस्क कर देंगे। So, अब हमारे कमांड से वो बाहर हो गया, अब वो किसी कॉर्ड को भी यूज कर सकते, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने ये किया। ठीक है, इसको रन करके देखोगे तो सिंपल, देखो रन करके आपको, और आपको ये भी देखना है कि सही में रिकॉर्ड हो पाया या नहीं, कहीं फ्रेम इमेज है या नहीं। तो आप क्या कर सकते, एक काम और कर सकते, इसको हटा दोगे और यहाँ पे दो फंक्शन यूज करते, एक क्या है आपका, यहाँ पे आप CV2 यूज करते हो, IMSO फंक्शन यूज करते हो या नहीं करते हो, और यहाँ पे क्या लिखना होता है, पहले तो जिस विंडो में ओपन होगा उस विंडो का एक नाम होगा ना, यहाँ पे क्या दो पे? मान लो हमने दे दिया हमें फ्रेम, क्या दे दिया हमें, कौन किसको शो करना है, इस इमेज को, वीडियो, इमेज यहाँ पे कौन है, फ्रेम है, ये फ्रेम है, तो नाम भी मैंने फ्रेम ही दिया है, ठीक है, तो फ्रेम। और इसको रन करोगे तो देखिएगा कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि वेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, CV2 लिखेंगे ताकि हमारे हिसाब से वो काम करे, और देखोगे जब प्रिंट करके इसको रख करके देखो इसने क्या या नहीं किया, इसने टाइप किया क्यों नहीं किया, खाली है क्या,
कहानी है क्या जो मैं बोलूं और तुम सुन लोगे? अकबर ने है ना बीरबल से क्या कहा, बीरबल ने अकबर से क्या कहा, कहानी सुनी है? तो कितने लोगों ने टाइप किया जल्दी बताओ, करके फटाफट बताओ। इतना हो गया होगा तो फिर मैं हो गया इम्पोर्ट क्या बोल रहा है आप नीचे आइए ना एंटर। आपको वो नहीं सोचना है ब्लैंक हो गया मतलब नहीं सोचना है ना, आपने स्ट्रॉन्ग किया है आप यूज कर सकते। दस के तरफ से कभी कोई देखा नहीं। और तुम्हारा नोटबुक कहाँ है लोगों के पास? मैं नोटबुक से बोल रहा हूँ, मैं आप कितनी कॉपी भी चेक करूँगा आप लोगों नहीं रहेगा ना क्या सत्तर कॉपी होना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना वो बढ़ गया मैंने, मैं हर चीज को रिलेट करता हूँ सिस्टम से कंट्रोल। ठीक है, तो अभी जो आपका ब्रेन यूज में आ रहा है वो भी क्या है? रैम और अटैच रैम। उस देर के बाद वो क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। यस सर, तो उसको परमानेंट करने के लिए हमें कहीं पे नोट आउट करना होगा। ठीक है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं या आप याद कर सकते रख सकते हैं। ठीक है, इतना कर लिया आप लोगों ने। टू फास्ट इसमें ये बता दो हमें हो गया हो तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे, और ये चीजें मैं भेज दूंगा आपको, मैंने भेज भी दिया था बट हमें ये काम नहीं करना। कैमरा ऑन होगा तो क्या होना चाहिए? वो जिस तरह कैमरा कैसे अभी आपका ऑन है ना, देखो अभी कैमरा ऑन करके दिखाओ तो वहां पे कैमरा ऑन करके दिखाओ, कोई इसमें कैमरा ऑन करके दिखाओ, मतलब इस लैपटॉप पर नहीं वो मीवाइस था उसमें नो वैसे ही था वैसे था। अरे इसमें नहीं, ये कैमरा अपने जूम का कैमरा है। अच्छा पूरा फुल स्क्रीन करो वहां जो जब भी मैं इसको मैक्सिमाइज, अभी देखो विजिबल है क्या? मैं हाफ हैंड रेस किया हूं, विजिबल है सबको? जब तक हम चाहे वो चलता रहे लुक और हमें वीडियो दिखता है, हमें जब मन भर जाए तो हम उसको क्या कर देंगे, तो बटन दबा देंगे वो स्टॉप हो जाएगा। सब हम वही चाहते हैं यहाँ पे की बात क्या होगी, बट उसमें सिचुएशन होगा कि हम उसको ब्रेक भी कर सकते। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये विजिबल है आप लोगों को? आई थिंक विजिबल नहीं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। क्लियर नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं रुको इसको एक मिनट अब देखो तुम लोगों का जो है कैमरा अच्छा है तो अच्छा फोटो आएगा, लाइट मेरा आठ साल पुराना सिस्टम है तो थोड़ा आएगा सर, इसमें परेशान नहीं होना उसमें। अब देखो हमने वीडियो की बात की, यही था ना, विजिबल है आप सबको? So basically देखो यहाँ पे visible है सबको code, so यही हमारा program है। अब समझिए थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे, वही सेम चीज़ है। वीडियो मैंने ऑन किया, एक variable दिया है, variable से क्यों लिया? ताकि हम number of frames को count कर सकें। क्या कर सकते हैं? Number of frames को count कर सकते हैं। और एक हमने क्या लिया है, ये आपका infinite loop, ये क्या है आपका? Infinite loop। सी पढ़े हो
तो पाइथन में तुमने पढ़ा होगा ऐसे लूप बनाते हैं, इतना तो पता ही होगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जैसे लूप के अंदर जाएगा एक फ्रेम क्रिएट होगा, आप इसको कहीं भी लिख सकते हो, जो भी नहीं यहाँ यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि एक काउंट हो जाए, क्या हो जाए, एक इंक्रीमेंट हो जाए। आप इसको जीरो भी करके लिख सकते हो, जीरो स्टार्ट करो, इसे में कुछ भी नहीं था, जीरो से स्टार्ट हो, फिर एक काउंट होगा वन, और उसके बाद क्या होगा, उससे एक पहला फ्रेम आएगा, वो कहाँ जाएगा, उस पे जाएगा, और टू वैल्यू आएगा, उस फ्रेम को आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर लो, किस फॉर्म में प्रिंट होगा, वो देखो कि यहाँ पे चलता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रे स्केल, ग्रे चेक, ग्रे कर देंगे, तो ग्रे स्केल यूज किया है इसको, आप चाहो तो ग्रे स्केल को हटा भी सकते, हटा भी सकते, इसकी जरूरत हमें है भी नहीं, है ना, इसे कोई जरूरत हमें है भी नहीं। चलो नेक्स्ट, आईएफ शो करने का मतलब दिखाना है, आईएफ इसको हटा भी सकते, इसकी जरूरत हमें नहीं, आईएफ शो का मतलब ये है कि हम इस फ्रेम को शो करके, मैंने शो कर दिया, और जैसे शो हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं, वेट कितना देर कह रहे हैं, 1 मिली सेकंड में, और मिली सेकंड में देखो अभी कंडीशन हमें क्यों, अब ये ओआरडी का मतलब समझते हो, यस सर, उसका ऑर्डिनल मतलब वो निकालना है, आरसी वैल्यू, यस सर, आरसी वैल्यू। अब हम जो की यहां पे प्रेस करेंगे, देखो वेट की फंक्शन जो है वो हमारे किसका वेट करता है, किसकी का वेट करता है, तो हम यदि जो भी वैल्यू देंगे ना यहां से, जो भी प्रेस करेंगे तभी ये स्टॉप होगा, नहीं कुछ प्रेस नहीं, कुछ था वो वन वन चलता था, चलता जाएगा उसमें फिर वन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ भी प्रेस नहीं किया, तो वन ही है इसका मतलब, अब वन है तो वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे हम क्यू प्रेस करेंगे क्या होगा, ये मैच कर जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, लुक से बंद हो जाएगा। मैंने बोला शुरू में हमने कुछ यहाँ पे क्या दे रखा है, वन, तो ये वन की दिया हमने, इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें आएगा, वन ही आएगा ना, वन की दिया है, जो भी जनरली कुछ भी नहीं दिया हमने तो अब उससे कभी मैच करेगा क्या, ये बताओ, नहीं सर, नहीं मैच करेगा, तो कभी ये ट्रू होगा क्या, कभी नो सर, नहीं सर, तो ये ब्रेक कभी होगा, नो सर, नहीं होगा, तो क्या होगा, लूप जैसे कंप्लीट हुआ ये मैच ही नहीं किया, फिर यहाँ से फिर लूप चलेगा, और फिर रिपीट होगा तो फिर एक वैल्यू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, फिर से वो एक नया प्रिंट क्रिएट होगा, फिर से वो प्रिंट करेगा, फिर से वो क्या होगा आपका शो कर देगा, और ये चीज ये वन मतलब पता है क्या, ये मिली सेकंड होगा, और ये चीज होता जाएगा, और जब हम क्यू दबा देंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गया, और ये क्या होगा, बंद हो जाएगा, और उसके बाद हम बाद में प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे आसान। देखो और भी जगह जब आप कमांड को रन कर लोगे तो और भी डाउट होगा मन में, मुझे पता है कि 80% डाउट होगा, लेकिन तुम इसको कमांड को रन करके देख लो, डाउट तुम्हारा सीधा 20% लेगा ना सर, क्या हां इक्वल टू 0 है, और ये व्हाइल हमेशा ट्रू, ये व्हाइल लूप क्या होता है, फायर ट्रू पता है, व्हाइल इक्वल टू डू फास्ट को रिपीट किया, यस रिपीट, अमर तुमको मैंने भेजा था उस पे काम करना, और अंशु तुमको मैंने क्या दिया था, पासिंग पॉइंट, इंटरनेट वाला, इंटरनेट वाला हो गया ना, बस काम कर अच्छे से, कुछ हुआ था वो वाला सेट कर दिया, अच्छा उसको एक आप कर कोड मुझे याद दे दो, बस आप इस चैप्टर में क्या इशू है, ठीक है, चलिए तो तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारा फिक्स हो गया इंटरनेट वाला, तुम्हारा जो एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट चला रहा है, वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा में मैं बना भी रखा है, मेरे सिस्टम में क्या है इतना स्लो नेटवर्क है, और दूसरी बात सिस्टम में मेरा बॉस है, तो कभी कभी क्या होता है एलेक्सा एलेक्सा सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो माइक्रोफोन ही सो रहा है, तो मिसमैच है, एक्चुअली पानी का इशू आया, अब क्या होगा, जैसे मैं बोलूंगा उसको एलेक्सा प्ले
हरे कृष्ण हरे राम वो ऐसा वॉइस वो यूट्यूब से वो वीडियो चला देगा। हम उसको बोलेंगे अलेक्सा व्हाट इज द टाइम, वो टाइम बता देगा। हम पूछेंगे अलेक्सा हु द हैक इज डोनाल्ड ट्रंप, वो बता देगा उसके बारे में। हम पूछेंगे अलेक्सा हु इज द हैक इज नरेंद्र मोदी, वो बता देगा। हमने कमांड सेट कर रखा है कि जैसे हम हु द हैक इज बोलेंगे ना उसका मतलब वो सब तैयार हो जाएगा हमारे पास, और किसके लिए वो विकिपीडिया सर्च करेगा। जब हम बोलेंगे टाइम वो टाइम बताएगा, जब हम बोलेंगे प्ले प्ले वर्ड यूज करेंगे वो समझ जाएगा हमें यूट्यूब की बात कर रहे हैं। अलेक्सा का ही काम करता है, देखो अलेक्सा बोलता है अलेक्सा सुनने के तैयार हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे अलेक्सा काम नहीं करता। लेकिन जैसे अलेक्सा प्ले द सॉन्ग रेडी हो जाए। सो दिस इज ऑल दिस आर प्रोग्रामिंग्स, सारा प्रोग्रामिंग हम लोग देखेंगे ना सर। इसके बाद मास्टर पे कौन काम करने वाले, इसका तो मैंने वॉइस वाला दे दिया। मास्टर पे काम करना है तो करना है, दो तीन का समय 28 तक में होगा, 28 के बाद में मुझे सीखना है इंटरेस्टिंग बहुत सारा चीज है। देखो ये चीज अभी तुम सीखोगे ना, ये चीज तुम्हारे जो सीनियर्स हैं वो चीजें वो थर्ड ईयर में सीखते हैं, सेकंड ईयर में सीखते हैं, कुछ कम समय लगता है एक्सप्लोर करने के लिए। तुम फर्स्ट ईयर में सीख लोगे दो साल एक्सप्लोर कर, और ये चीज अभी का समझो तो यही सब क्या है डिमांड। ये चीज तुम सीखोगे उस पर मैं एडवांस एक्सीलेंस में बताऊंगा सेकंड ईयर में, फिर उसके बाद डीप लर्निंग बताऊंगा, फिर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। ठीक है, उसी का डिमांड है, जो नॉर्मली पैकेज होता है उससे कवर भी कर सकता है। हम लोग समय ये नहीं था, अब ये सब चीजें चल रही है। देखो हो गया बच्चों, किसी ने ट्राई किया, किसने ट्राई किया, वीडियो दिखाओ कैसा दिख रहा है। एनीवन अब देखो बिल्कुल वीडियो चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखो यहाँ पे देखो वीडियो चल रहा है, कोई हैंड रेज करो, देखो सब दिख रहा है आप लोगों को, देखो दो लाल नंबर को जोर दिखाओ इसको, विश्वास नहीं करेगा वो। चलो और किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो आ जाओ, विजिबल है सबको। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज आवर कैमरा टू रिकॉर्ड द वीडियो एज वेल एज टू रिकॉर्ड द फ्रेंड्स ऑल्सो। समय कम मिला अब है क्या ना, उसके लिए हमने याद नहीं आपको बताया था फेस रिकॉग्निशन लैंग्वेज का। अभी क्या ओपनसीपी से एडिट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, बहुत सारा चीज है। अब हम उसी चीज को हम करेंगे इसके फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इमेज को लोड करने के लिए फंक्शन है ना, लोकेशन फाइंड करने के लिए फंक्शन है, जो लोकेशन होता है फेस लोकेशन जो कहते हो वो खुद ही बना के एक हैंड में दे देगा। उसके अलावा ऑडिट फंक्शन है, उसमें इनकोडिंग जो आपका फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिथम है ना, उसमें गाइड की जरूरत है, वो क्या करता है आपके फेस फेस को इनकोड करता है 128 वैल्यू पर, 128 वैल्यू पर स्टोर करता है सबके लिए, आईब्रो के लिए, हर फेस के हर एक पार्ट के लिए कोडिंग करता है नंबर एरे के फॉर्म में, जो कि टोटल 128 डिजिट का होता है। 128 डिजिट्स का मतलब 128 वैल्यूज होता है स्टोर करता है, तो वही इनकोडिंग ताकि वो क्या करेगा, अभी मान लो रिकॉर्ड कर लिया हमने, ट्रेनिंग दिया हमने, ट्रेनिंग इमेज में उसको ट्रेन किया, उसने उसका वैल्यू रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या होगा कि जब कैमरे के सामने आओगे ना तो तुम्हारे फेस का भी वही काम करेगा, वही इनकोडिंग करेगा,
डिफरेंस मिल गया तो बताएगा अच्छा यही ये अंशु है और ये अमर है और ये अमर है और सूरज ये सब तो किस तरह से वो सिर्फ ब्रेक आउटसाइड लूप कोई दिक्कत तो और भी काम आसान हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे इसको और पॉसिबल हो तो अभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई इशू नहीं है 4 मिनट हमारे पास बचा हुआ है कोई दिक्कत इसमें बच्चों ट्राई करोगे लेकिन ये सब चीजें जो मैं करवा रहा हूँ अभी सब कुछ ओपन स्थिति पे अभी जो भी मैंने बताया है दो ही चीज यूज किया मैंने अभी क्या यूज किया है ओपन स्थिति का कुछ पाइथन का ऐसे होता है ओपन स्थिति पाइथन और इसके लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं वो क्या है इंपोर्ट सीबी और व्हाट इज द सीबी हियर सीबी इज व्हाट कंप्यूटर विजन क्या होता है ये कंप्यूटर विजन का मतलब क्या होता है एनीवन क्या सर कैमरा कंप्यूटर विजन का मतलब क्या होता है जस्ट लाइक आवर आईज हमारे पास विजन है ना किसने दिया गवर्नमेंट ने दिया है गॉड ने दिया है ना गॉड की फेवर हमारे पास हर एक लिविंग थिंग्स में भी ह्यूमन के पास स्पेशली और एनिमल के पास ये चीजें दी है ना ठीक है और ये विजन के हेल्प से क्या करता है हम ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं यस डिफरेंशिएट कर सकते हैं वैसे ही यदि इस विजन को कहां डालते हैं सीधा डालते हैं तो क्या होगा सीधी देखते हैं मशीन भी क्या कर सकता है डिटेक्ट कर सकता है वो पहचान जाएगा जैसे कुछ आओगे छुटके से कुछ छुपाने अपने फ्रेंड के घर पे कुछ उसे छुपाने के लिए वो पहचान के लिए पक्का सूरज का दोस्त अमर है अमर है ठीक है तो कहने का मतलब कैसे पॉसिबल है आपको मशीन ने क्या कर दिया तो मशीन क्या कर रहा है उसको रीड कर पा रहा है उसके पास विजन है और वही विजन हमको यहाँ से ला रहा है और ये तो छोटा सा पार्ट है ये पाइथन का छोटा सा पार्ट है इसमें भी आज बहुत एडवांस प्रोसेसर में फोटो साफ है अब जहां भी देखते हो हाई फाई जहां भी आप आजकल आप देखते हो जो प्लाजा के पास होता है रोड से लेकर तक के और इनको भी देखा होगा कितने लोग थे वहां पे आपने देखा होगा ना कोई कोई हीरो है जीप कार या कुछ भी बहुत से गुजरता उसके ऊपर कल घर पे पुलिस चला जाता है या फिर आप देखते हो आपके नंबर प्लेट से आपके पास आपको रिव्यू स्कोर तो आपके नंबर प्लेट से आपको चला जाएगा पीडीएम फास्टैग एग्जांपल आपको चला फास्टैग हो गया ये सारा ओपन सिटी का सब जगह कंप्यूटर विजन है सब जगह कंप्यूटर है अब फास्टैग में क्या होता है आप स्पीड में हो कितना फास्ट उसका है स्पीड में आपके नंबर प्लेट को या बाकी बारकोड को क्या करता है कर लिया भाई तब तक तक कर लिया जो उसका गेट है वो खोल दिया चले जाते तो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर और ये कौन कर रहा है हम कर रहे हैं ये मशीन कर रहा है तो ये किस मशीन के लिए है कि मशीन को हम क्या दे रहे विजन दे रहे जो हमारे नॉलेज को आगे कर रहे हैं ये बताओ आखिर इतना मशीन कर रही है एआई है या ओपन सीरियल जो भी चीज क्यों कर रहे हैं क्यों पढ़ाई कर रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं हमारे लिए काम कर हमारा काम आसान मैनुअल जो है उसको ऑटोमेशन में लेकर देखने वाला काम सर्विलेंस वाला काम होता है वहाँ पे जहाँ पे हमें कोई और काम होगा वहाँ पे और क्लियर है बच्चों आप यहाँ पे कुछ और भी मैंने क्या बोला आप यहाँ पे क्यों हमने कोई दिक्कत नहीं क्यूट नहीं क्विट बोल रहा हूँ ठीक है सब क्विट है इसीलिए दबाओगे इसका जो वैल्यू है आज की वैल्यू कीबोर्ड में जो क्यू दबा उसका आज की वैल्यू दबा मैच करेगा तो क्या होगा कोई दिक्कत
हाँ डिस्ट्रॉय विंडो देखो क्या है, आप जब आपको प्रोग्राम रन कर रहा होता है कभी कभी कोई विंडोज कोई विंडो ओपन होता है, इमेज कैसे देखते हो आप, इमेज अभी देखो वीडियो जब चल रहा है उसका विंडो ही है ना, ऐसे कई सारे विंडोज हो सकते हैं आपको यहाँ पर रिलीज करके, लेकिन वो मान लो विंडो भी ओपन हो सकते हैं, तो इसीलिए विंडो जितने भी विंडो ओपन हुए सबको क्लोज करने की डिस्ट्रॉय विंडो, मतलब जो भी विंडो इस प्रोग्राम का जो भी विंडो ओपन था कहीं पे उसको ये क्या करते हैं डिस्ट्रॉय ऑल विंडो भी होता है, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो भी होता है, हम एक ही विंडो की बात करें तो सारे विंडो को क्या कोई दिक्कत नहीं है, विंडो मतलब ये कि मान लो दो दो इमेज आपके ओपन कर सकते हैं, वो कल सुबह आएगा दो दो इमेज, जैसे कोई मान लो दो इमेज आपके ओपन करना है इस प्रोग्राम में, ये भी एक विंडो है ना, ये भी विंडो है ना, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ये सारे विंडो ऑटोमेटिक हो जाएगा, मारो ड्राइवर वाले को इंस्टॉल करता हूं।